फ्रेंड्स, आज हम मैसेज राइटिंग करेंगे। मैसेज राइटिंग जो थी, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मैसेज को हम हमेशा एक बॉक्स में बंद करेंगे और मैसेज में हम टाइम और डेट दोनों मेंशन करेंगे, और साथ ही साथ में हमें यह ध्यान रखना है कि मैसेज कौन दे रहा है, किसके लिए आया है, कौन उसको रिसीव कर रहा है। सो अब ये वाला मैसेज राइटिंग हम स्टार्ट करते हैं। अनुष्का, रितु, ये दो लोगों के बीच में बात हो रही है, अनुष्का और रितु। सो हेयर इज द मैसेज। अनुष्का, हेलो, इज इट 299, जो भी उसका नंबर था उसने वो बोला है। रितु, यस मे आई नो हु इज कॉलिंग, क्या मैं जान सकती हूँ कौन बोल रहा है? अनुष्का, आई एम अनुष्का, मेरा नाम अनुष्का है। कैन आई टॉक टू ईशान, तो क्या मैं ईशान से बात कर सकती हूँ? तो इसका मतलब मैसेज किसके लिए है? ईशान के लिए। रितु, ही हैज़ गोन टू द लाइब्रेरी, वो तो लाइब्रेरी गया है। अनुष्का, प्लीज़ टेल हिम दैट, उसको क्या बताना है? दैट हिज इंटरव्यू फॉर टाटा इंडिकॉम हैज़ बिन फिक्स फॉर टमोरो 9 AM शार्प, कि 9 बजे उसका जो इंटरव्यू है वो फिक्स हो चुका है। ही शुड रीच द ऑफिस इन टाइम एंड ऑल्सो ब्रिंग हिज सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद हीम, डोंट फॉरगेट, इट्स अर्जेंट, कि अपने सारे सर्टिफिकेट साथ में लेकर आए और आप उसको बताना भूलना मत, ये बहुत ही ज़रूरी मैसेज है। रितु, आई विल कन्वे द मैसेज, मैं ये मैसेज दे दूंगी। अनुष्का, थैंक यू। तो इसको हम मैसेज राइटिंग को कंप्लीट करेंगे, वैसे ही शुरू हो जाएंगे, वैसे जैसे कि पहले कैपिटल लेटर्स में, बोर्ड लेटर्स में मैसेज लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे डेट एक लाइन छोड़कर, कोई भी आप डेट डाल सकते हो, जैसे कि इसमें तो कोई डेट मेंशन नहीं की गई, तो हम कोई भी डेट यहाँ पे डाल सकते हैं, और कोई भी हम टाइमिंग लिख लेते हैं यहाँ पर। अब मैसेज किसके लिए था, हमने पढ़ा था ईशान के लिए, तो हम यहाँ पे ईशान का नाम लिख देंगे, ईशान। और अब यहाँ पे शुरू करेंगे। एक और तरीका है जैसे हम मैसेज दे सकते हैं, वो है देयर वॉज अ कॉल फ्रॉम फॉर यू, देयर वॉज अ कॉल फॉर यू फ्रॉम, फोन किसने किया था, इसमें हम देख पा रहे हैं अनुष्का ने, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयर वॉज अ कॉल फॉर यू फ्रॉम अनुष्का। अब उसका जो मेन मैसेज है वो ये है हमारे पास यहाँ पर, टेल हिम दैट द मैं इंटरव्यू फॉर टाटा इंडोकॉम हैज़ बिन फिक्स टमोरो 9 AM शार्प, ही शुड रीच द ऑफिस इन टाइम एंड ऑल्सो ब्रिंग हिज सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद हिम। ये मैसेज हम यहाँ पर इसको नीचे देंगे। शी इन्फॉर्म यू, या शी वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू, शी वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट योर इंटरव्यू फॉर टाटा इंडिकॉम हैज बीन फिक्स्ड फॉर टमोरो 9 AM, ब्रिंग योर सर्टिफिकेट्स या टेक योर सर्टिफिकेट्स विद यू, टेक योर सर्टिफिकेट्स विद यू। तो यहाँ पर जगह कम रह गई, एक लाइन हम यहाँ पर छोड़ेंगे और उसके बाद हम लिख देंगे जिसने वो मैसेज रिसीव किया, रितु। और इस तरह हमारा ये मैसेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इनकम्प्लीट रहेगा एक बॉक्स के बिना। हम यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे और इससे हमारा जो मैसेज है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और इस तरह हमने जो तो मैसेज प्रैक्टिस है वो हमारी, अब हमें क्लियर हो गया कि हमने मैसेज जो है वो किस तरह से लेना है और किस तरह से हमने सामने वाले तक उस मैसेज को पहुंचाना है। सो स्टूडेंट्स, आप इसकी कुछ एक और एग्जांपल्स को स्टडी कीजिएगा, जिससे कि आपको मैसेज कैसे बनाना है, कैसे सामने वाले तक पहुँचाना है, ये आपको क्लियर हो जाए।